अशोकनगर जिले के राजपुर कस्बे में प्रशासनिक अधिकारियों की सख्ती के चलते 22 वर्षीय युवक ने गवाई अपनी जान। देखा जाए तो एक जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट में राजपुर में किए गए अतिक्रमण को हटाने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी आज सुबह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे एवं मकानों को खाली करवाने को कहा। इसके बाद जब एक 22 वर्षीय रफीक अपने मकान का सामान निकाल रहा था, तभी अचानक वहां से निकली बिजली की लाइन की चपेट में आ गया, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक की एक दिन पहले ही सगाई हुई थी। इस घटना के बाद इस परिवार में मातम पसर गया। कुछ नहीं बचा साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो काम दिया के लिए बस। ये आपने कैसे घर में घुसन ली है? किसी के घर में नहीं है, हम तो ऐसे ही हो गए। ये तो ये घर का कुछ भी नहीं है। कितने में खरीदा था आपने मकान? ये कितने में खरीदा था आपने? सासू सर ने खरीदा होगा, मुझे कोई मालूम। मामा आपने खरीदा था हमारे में? कितने सालों से रह रही थी? 35 साल हो गए साहब, हमारी शादी नहीं हुई थी। वहीं मृतक के पिता ने प्रशासन पर अपने बेटे की मौत की जिम्मेदारी के आरोप भी लगाए हैं। सब मकान गिर गए, वहाँ सब मर गए। आपका कब्जे में था क्या मकान? अवैध मकान था आपका? हाँ, अवैध मकान बनाया गया आपने? पट्टो है तो साहब, पट्टो। किसकी मौत हो गई? बच्चा की हो गई, 22 साल को। मेरे हाथी से बच्चा चलोगा मेरे सामने साहब। किसकी गलती मानते हैं? किसी प्रशासन की गलती मानते साहब, हमारे घर पर बाद आए, हमारे बच्चा चलोगा। कितनी उम्र थी बच्चे की? 22 साल को। कल नहीं मोड़ा, नेत के आओ तो मैं मोड़ ये नेत के आओ तो अभी मांगनी हुई थी उसकी? हाँ, कल नहीं सगाई भाई थी, मोड़ ये नेत के आओ तो मोड़ा नेत के आ रहे थे साहब। 22 साल का रफीक नाम है तो साहब, और मेरा रफीक जरा मैं आपका मेरा हबीब का नाम है वो। पूरी कार्रवाई में किस तरह से परिवार बेघर हुआ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक परिवार ने अपने 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़कर आत्महत्या करने की भी कोशिश की, साथ ही धमकी भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने उनका मकान जेसीबी के द्वारा तोड़वा दिया। इस कार्रवाई से 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं, साथ ही कई दर्जन परिवार बेघर हो गए। वहीं अपनी गृहस्थी का सामान सड़क पर रखकर बर्बादी का मंजर लोग देखने को मजबूर हैं। साथ ही रोते बिलखते हुए ये लोग कह रहे हैं कि करीब 40 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, साथ ही इनके पास पट्टे होने के बावजूद भी इनके मकान तोड़ दिए गए, जिसके चलते अब वे सड़क पर पड़े हैं। इसके अलावा महिलाओं का भी रो रो कर बुरा हाल है। इस तरह से अचानक अपने आशियाना टूटने के बाद जब ये लोग वाकई बेघर हो गए हैं, तो वहीं प्रशासन अधिकारी एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने का कार्य भी जारी रहा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय का आदेश है जिसके तहत यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं पट्टे के दस्तावेज भी न्यायालय में पेश किए गए थे, जिनको अमान्य करते हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, उसी के पालन में ये कार्रवाई की गई है। करंट लगने से लगभग 5-6 बजे के आसपास पहले ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है, ये सुनने में आया। सर, कुछ लोगों की बात नहीं थी, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया था अपने मकान को, उसमें उनको समझाया थी मांग गए। उन लोगों पे कोई कार्रवाई की गई क्या? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासकीय जमीन पे अतिक्रमण का मामला था, इसमें जनहित याचिका है 2015 की। सर, लोगों जो भी उनके पास दस्तावेज के पट्टे थे उससे संबंधित, तो उन्होंने अपना पक्ष माननीय न्यायालय में रखा था, जहां से उसको अमान्य किया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे उच्च न्यायालय द्वारा। सर, कुछ प्रधानमंत्री आवास के मकान भी थे इसमें बताए जा रहे हैं, कितने मकान थे करीब? इसकी जानकारी नहीं है अभी तक। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।